ढोकला बनाने के लिए हम एक बाउल में 1.5 कप बेसन लेंगे। इसमें 1/2 कप सूजी मिलाएंगे, 1 कप दही डालेंगे। अब इसमें 1/2 छोटी चम्मच यानी 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच यानी 1 टेबलस्पून चीनी डालेंगे, 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट डालेंगे। अच्छी तरह मिलाएंगे, ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हिलाएंगे। मैंने 3/4 कप पानी डाला है, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप थोड़ा पानी और डाल सकते हैं। अच्छी तरह मिलाकर 5 मिनट के लिए रख देंगे। इस दौरान हम स्टीमर में पानी उबलने के लिए रख देंगे। ट्रेस को ग्रीस करेंगे। पाँच मिनट बाद कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, अगर गाढ़ा लगे तो थोड़ा पानी डाल सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है। ढोकला बनाने के लिए पानी बॉयल हो चुका है। अब हम ढोकला बैटर में 1 टीस्पून इनो डालकर मिलाएंगे और तुरंत ही ग्रीस की हुई ट्रेस में डाल देंगे। इनो लास्ट में तभी डालें जब स्टीमिंग करने के लिए पानी बॉयल हो चुका हो और ट्रेस भी ग्रीस हो चुकी हो। पहले हाई फ्लेम पर 7 मिनट तक और फिर लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक स्टीम करें। टूथपिक से चेक करें कि ढोकला तैयार हो चुका है या नहीं, अगर यह नहीं चिपक रहा तो ये तैयार है। ट्रेस को बाहर निकालकर 10 मिनट के लिए ठंडा होने दें। ढोकले का सिरप बनाने के लिए कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल डालें। तेल गर्म होने पर 1 टीस्पून राई डालें, 7-8 कड़ी पत्ता डालें, 4-5 बीच में से कटी हुई लंबी हरी मिर्चें डालें। चार कप पानी डालें। तीन चौथाई कप चीनी डालें। ढाई टीस्पून नमक डालकर 4-5 मिनट के लिए पकने दें। गैस बंद कर दें और 5 मिनट के लिए ठंडा होने दें। आप देख सकते हैं हमारा ढोकला कितना स्पंजी बना है। 5 मिनट ठंडा होने के बाद सिरप में 2.5 टेबलस्पून नींबू का रस डालें। इसे अच्छी तरह हिलाएं। सिरप को ढोकले के ऊपर डाल दें। धनिया के साथ गार्निश करें। 10-15 मिनट रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। नाउ आवर ढोकला इज रेडी टू सर्व।